अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डिसेमिनेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, सोशल एंटरप्राइज की सर्विसेज और उसकी खास तौर पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो विजडम है किसी सोशल प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के हवाले से जो उन्होंने एक्सपर्टीज ओवर द टाइम एक्वायर की हैं उस काम को करते हुए, उसको वाइडली नोन, उसको मेकिंग अवेलेबल टू अ ब्रॉडर ऑडियंस एंड बेनिफिशरीज जो है उसको डिसेमिनेशन कहते हैं। यूजुअली डिसेमिनेशन जो है वो खास तौर पर इस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में वो फेस टू फेस ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, फील्ड विजिट्स, मैनुअल्स, हाउ टू डू मैनुअल्स, हैंडबुक्स, इस किस्म की चीज़ों के जरिए से की जाती है कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल एंटरप्राइज है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं, उनको किताबों की शक्ल में, मैनुअल की शक्ल में ले आते हैं, या उनके कुछ लोग जिनका ओवर द इयर्स एक एक्सपर्टीज बन गई हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को अपनी साइट पर लाकर फील्ड विजिट कराकर और वहां पर उसकी जो हैंड्स ऑन है वो एक तरह से ट्रेनिंग करते हैं। इस तरह वो जो उनकी विजडम है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, उनको शेयर करते हैं। इसमें किसी चीज़ का डिज़ाइन हो सकता है, किसी ऑपरेटर्स का कोई डिलीवरी जो सर्विसेज की है, जैसे एल्डरली केयर, चाइल्ड केयर के हवाले से कोई मॉडल हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। कंपैरेटिवली एक इनएक्सपेंसिव स्ट्रेटजी है ग्रोथ या स्केलिंग के हवाले से, कि ऑर्गेनाइजेशन का इम्पेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, दूसरे लोगों तक उसकी टेक्निक, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका काम करने का तरीका जा रहा है, और जब वो उसको अप्लाई करते हैं तो इनडायरेक्टली दरअसल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक्सपेंशन हो रही है, उसकी आइडियोलॉजी की, उसके मिशन की, उसके तरीक़ेकार की। तो ये एक्सपेंशन जो है वो अमूमन बगैर बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट जो है उसके होती है, और सोशल एंटरप्राइज खासतौर पर नॉन प्रॉफिट जो सोशल एंटरप्राइज है और जो ह्यूमन सर्विसेज की डिलीवरी में इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता अमूमन, कोई नई जगह या वेन्यू नहीं चाहिए, कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहिए। खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के आने के बाद बहुत सारी जो डिसेमिनेशन है वो थ्रू इंटरनेट जो है वो फ्रॉम डिस्टेंस, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है वहाँ से कंप्यूटर या फोन के जरिए से हो सकती है, और इंक्रीजिंगली सोशल एंटरप्रेन्योर्स इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने मिशन को एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन इसकी डाउनसाइड भी है, मसलन ये कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो आपके इख्तियार में नहीं रहता। मसलन हमारे कैमरामैन जो हैं वो एक मैनुअल लिखते हैं, कैमरा ऑन करो स्टेप वन, उसको फोकस करो स्टेप टू, क्लिक करो स्टेप थ्री। मैं उस मैनुअल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरी तस्वीर वैसी नहीं आती जैसी उनकी आती है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुमकिन नहीं रहता जब लोग मैनुअल्स को या ट्रेनिंग के बाद कहीं और जाके किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और लाइट में उस काम को करते हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील कर रहे हैं। हमें याद रखने की ज़रूरत है कि वो इंसानों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा इशू जो इसमें है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसा इक्विपमेंट होता है जिन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारी लर्निंग के बाद जो है उसको एस्टेब्लिश किया है या बनाया है। तो अगर हर कोई उस आइडिया को, उस इनोवेशन को या उस ऑपरेटर्स को बगैर इजाज़त के, बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग के यूज़ करना शुरू कर दे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपेटिटिव एडवांटेज है जो पेरेंट सोशल एंटरप्राइज का, वो नहीं रहता। बहुत सारे सोशल एंटरप्राइजेस हैं जो डिसेमिनेशन के जरिए से ही एक्सपेंड करते हैं। उसमें एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है काबूम के नाम से। ये लोग बेसिकली बच्चों के लिए, खासतौर पर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज में, प्लेग्राउंड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन काबूम का तकरीबन 90% काम जो है
वो थ्रू डिसेमिनेशन है। वो कम्युनिटीज को, इन्वेस्टर्स को, कॉरपोरेट सेक्टर को, प्राइवेट डोनर्स को, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देते हैं, पहले अवेयरनेस देते हैं कि बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स क्यों ज़रूरी हैं, वो कैसे बनाए जा सकते हैं रिसोर्सेज पूल करके, उनको मेंटेन कैसे किया जा सकता है, फिर वो उस प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं और फिर वो कम्युनिटीज को हैंडओवर कर देते हैं। और ये सारे का सारा काम जो है बेसिकली वो डिसेमिनेशन का है उनका, बहुत थोड़ा वो ऑन द ग्राउंड जाके फील्ड में काबूम का स्टाफ जो है वो काम कर रहा होता है। फिर उनके जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, डोनर जो हैं वो प्लेग्राउंड के लिए ज़मीन या इक्विपमेंट या चीज़ें फ्राहम कर देते हैं, लेकिन जो काबूम की अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसके लिए भी वो अपने मैनुअल्स, अपनी टेक्निक्स, अपने रिसोर्सेज की ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, उनको किताबें लिखते और बेचते हैं, मैनुअल्स बनाते और उनको इंटरनेट के ज़रिए से डिसेमिनेट करते हैं। इस तरह से वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कवर करते हैं। डिसेमिनेशन जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स, खासतौर पर नॉट फॉर प्रॉफिट और ह्यूमन सर्विसेज में इन्वॉल्व जो नॉट फॉर प्रॉफिट वेंचर्स हैं, उनके लिए एक सूटेबल स्केलिंग स्ट्रेटजी है। थैंक यू।